नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक मिनट, पहले टोपी पहन लें। टोपी पहनने से अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिक्स में सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक समांतर माध्य और दूसरा माध्यिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक को हम तीन टाइप से बताएंगे। जैसा कि हम इससे पहले दो जो टॉपिक हैं समांतर माध्य माध्यिका, उसको भी तीन टाइप से बताए हैं, तीन तरह से। कोचिंगों में देखिए, कोचिंगों में केवल आसान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही कराया जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, मेंस का एग्जाम देना है, तो हमें ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और तीनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो तीनों तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। बहुलक आंकड़ों में सबसे अधिक बार आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं। कहने का मतलब कि संख्याओं का सीरीज दिया रहेगा, उसमें जो संख्या बार बार दोहराई गई हो, यानी संख्या ज्यादा हो, वो क्या होता है, बहुलक होता है। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि बहुत आसान रहेगा, मतलब डाटा दिया रहेगा, आंकड़ा का सीरीज दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं टाइप पहला है, टाइप फर्स्ट है, ठीक है, कौन सा है दिया हो, 73, 72, 71, 73, 73, 75, 75, इस तरह के सीरीज दिया रहेगा संख्याओं का। पूछ देगा इसमें बहुलक बताइए, तो क्या बताए हैं कि बहुलक जो ज्यादा संख्या में हो, यानी जिसकी संख्या बार बार आती हो, वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं किसका ज्यादा बार आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम 73 को देख लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, ठीक है, तो 73 कितने बार है, 3 बार। ठीक, उसके बाद 72 देख लेते हैं, 72 कितना है, 1 बार है। 71 कितना बार है, ये भी 1 बार है। उसके बाद 70 कितने बार है, 1, 2, 2 बार है। ठीक, 75 कितने बार है, 2 बार है। यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा है, सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा है, 73 है। यानी 73 कितने बार आया, 3 बार आया है, तो 73 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, हो रही होगी। ये तो सिंपल में दिया रहेगा निकालने के लिए, तो आप निकाल लेंगे। अब दूसरे टाइप में क्या पूछ देता है, दूसरे तरह का जो क्वेश्चन होता है इस तरह का रहेगा, जो चार्ट में दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बहुलक बहुत आसान है, लेकिन अगर पूछ दे चार्ट में तो थोड़ा बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है, अगर समझ गए तो आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या चीज है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं बारंबारता में कौन सी संख्या सबसे अधिक है। ये टाइप टू है जो एग्जाम में पूछता है। अब इसमें हम देख रहे हैं तो देखते ही पता चल जा रहा है कि संख्या 28 बारंबारता जो है वो ज्यादा है। तो जब हम इसको जब चूज कर लिए, इसको बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसी का जो पद होगा कौन सा है, 9 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 9 हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्या हम बताए हैं, सबसे पहले आप देखोगे बारंबारता। ठीक, बारंबारता देखोगे उसमें जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है, उसी का जो पद होगा, उसी के साथ पद होगा, वही क्या होगा, बहुलक होगा, न कि ये बहुलक होगा। जैसे हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हुआ हो, बार बार आया हो, तो ठीक है, बार बार संख्या आएगा,
28 देखिए सबसे बड़ा है, लेकिन 28 कितने बार आया है, 9 बार आया है, तो बहुलक यही हो जाएगा। अब इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि हम लोग कन्फ्यूज होते हैं और गलत करके आ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम डाटा बदल देते हैं, एकदम नियर अबाउट में डाटा रखेंगे, यानी पद और बारंबारता दोनों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप गलती यही करते हो, बारंबारता में देखते हो जो बड़ी संख्या है, ज़्यादा संख्या है, तो आप ये समझ लेते हो कि बहुत बड़ी संख्या है, यानी बहुत बार पूछा है, तो वही बहुलक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब डाटा में फिलअप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, सॉरी 2 ना कीजिए, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे फिर कर देते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 1, 4, 6 और 3 कर देते हैं, इस तरह का दे देगा। अब देखिए इसमें सारे नियर अबाउट में है, मतलब इनके बीच के जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो इन सब क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, लग रहा होगा ना कि एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कैसे हम बहुलक निकालेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता देख लेंगे। अब बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, ठीक है। तो जब हमको ये पता चल गया, देखने से ही पता चल गया कि 6 है, तो उसके साथ जो संख्या होगी यही क्या होगी, बहुलक होगी, ठीक। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए किस पद की, किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, तो आप किस की कह रहा है, तो इसकी कहेंगे, कहेगा इसमें बहुलक कौन सा है, किस संख्या का बहुलक है, तो आप क्या करोगे, जैसे दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, आंसर ऐसे बता दोगे। अब चलते हैं टाइप तीसरे में, तीसरे तरह का क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर सीरीज में दिया रहेगा तब आप कैसे निकालेंगे, अभी बताए हैं। अगर चार्ट में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, ये भी बताए हैं, ठीक। अब चलते हैं तीसरे तरह का बताने, टाइप थर्ड, ठीक। टाइप थर्ड जो होगा वो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन होगा। ये रहा तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी तरह का पूछता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, क्या हम कैसे निकालेंगे, ये सारा बताएंगे, और ये भी बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और इसके साथ ही एक ट्रिक भी आपको बताएंगे। वो ट्रिक हमेशा एग्जाम में ऑप्शन जो दिया रहता है उस पर डिपेंड करता है, कि अगर नियर अबाउट में है तब तो आप पूरा सॉल्व करोगे, अगर नियर अबाउट में नहीं है तो खट से देख के बता दोगे। अब क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला हम जान जाते हैं, सूत्र जो होता है उसको लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, देखिए बहुलक बराबर यल प्लस एफ माइनस, ऐसे लिखे एफ हुआ एफ, ठीक, अपान 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, यही क्या है आपका सूत्र है। तो सूत्र जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों सूत्र को दिमाग में लाने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, कि जब सूत्र आपके पास रहेगा याद रहेगा तो आप जान जाओगे कि हमें क्या क्या निकालना है, लो वैल्यू निकालना है, एफ निकालना है, एफ वन निकालना है, एफ वन माइनस एफ टू निकालना है, एच निकालना है, तब आपको ऑटोमेटिक ये ज्ञात हो जाता है कि हमको ये चीज निकालना है, और ये आसान लगने लगता है। तो हम इसके पहले जो बताए हैं चैट वाला, उसमें हम क्या करते थे, ये देखते थे कि बारंबारता में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो बहुलक निकालने के लिए देखते थे ना,
तो देखते ही देखिए बारंबारता में देख रहे हैं तो हम 23 क्या है, सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके साथ जो संख्या होगी वही तो बहुलक होगी, इसके पहले बताए थे। तो जब बहुलक होगी तो आप देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखिए इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग, जो बड़ी संख्या के साथ वर्ग अंतराल है तो उसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमको जब ये मालूम चल गया बहुलक वर्ग, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो निम्न सीमा होती है, यानी निम्न संख्या होती है, इसको हम यल से मानते हैं। और ये इसको क्या मानते हैं, यच, ये बड़ी संख्या आती है, इसको यच नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका कोई यहाँ जरूरत नहीं है। ये कोई जरूरत है नहीं है, तो जो जो जरूरत है वही हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है यफ, यफ तो बराबरता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी यही है ना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यफ, इसको हम यफ मान लेते हैं जो बड़ी संख्या होगी। अब देखिए अब यफोन क्या होगा, तो बराबरता के केस में हम नहीं देखेंगे, ये नहीं कि इसके केस में देखेंगे आगे पीछे, ये नहीं देखना है, हम देखेंगे बहुलक वर्ग, इसके केस में हम देखेंगे। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली, यानी ये पहले वाली वर्ग अंतराल का जो बराबरता होगा वही क्या होगा, यफ वन होगा, यानी ये क्या हो गया, यफ वन हो गया। वहीं पे यफ टू भी तो हमको जानना है, यफ टू अगर निकालना होगा तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग अंतराल है उसी का क्या होगा, बराबरता, यानी ये यफ टू होगा। ठीक, अब इतना हमको मालूम चल गया, जब इतना हमको मालूम चल गया तो हम क्या करेंगे, फार्मूले में रख देंगे। यहीं पे एक चीज और छूट रहा है, यच, तो यच को क्या हम बोलते थे, वर्गमाप बोलते हैं। अब यच कैसे निकालते हैं, यच हाई जो वैल्यू होता है उसमें से लो वैल्यू निकाल देते हैं तो आ जाता है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से 12 जाएगा 3। अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जो चीज हमको चाहिए। तो अब हम सीधे रखते हैं फार्मूले में, यल कितना है बताइए, यल कितना है 12, प्लस यफ कितना है 23, यफ वन कितना है यहाँ देखिए 10, यफ कितना है 23 है या 2 है, तो 2 × 23 माइनस यफ वन कितना है 10, यफ टू कितना है 21, यच कितना है 3 है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, सारा एक वैल्यू हम ज्ञात कर लिए थे तब हम इसमें रखे हैं सूत्र में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 प्लस यहाँ क्या होगा 13, 23 में से 10 गया 13 ही होगा, अपान ये क्या हो जाएगा 46 माइनस ये कितना होगा 31। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस जुड़ जाता है, माइनस 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 होता है, चिन्ह क्या होते हैं, सॉरी चिन्ह अंक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, गुण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो 12 प्लस 13 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 15 × 3, अब यहाँ साल के लिए 3 × 5 = 15, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे चले जाते हैं, तो 12 प्लस 13/5, ठीक है, तो 5 × 10 यानी इसका आएगा 12 प्लस 2.6 यानी 14.6 क्या होगा इसका आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 14.6, यानी बहुलक इसका कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का एक ट्रिक भी होता है कि जो आंसर आएगा ठीक है वो हमेशा बहुलक वर्ग के बीच का मान आएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो हम कह रहे हैं,
क्या हम बताए हैं, हम ये बताए हैं कि इसका जो बहुलक आएगा, बहुलक का मान आएगा वो क्या होगा, इस बहुलक वर्ग के बीच का मान आएगा। तो देखिए आया कि नहीं, 12 और 15 के बीच का 14.6। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ग अंतराल की बराबरता अधिक है, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ देगा किस वर्ग अंतराल का माप या बराबरता सबसे अधिक है। तो इसका आप देख लेंगे, कह देगा कि इस क्वेश्चन इनका बहुलक, जैसे क्वेश्चन पूछता है ठीक ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता रहेगा। कभी कभार क्या होता है, देखिए इसमें जो रहेगा ना बराबरता में, इसमें कोई एक संख्या एक डाटा जो होगा उसको गायब कर देगा, जैसे यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे क्या करेगा के दे देगा। अब कहेगा यहाँ का मान बताइए क्या होगा, मान बताइए क्या होगा, और बहुलक जरूर दिया रहेगा, बहुलक भी कुछ दिया रहेगा, जैसे 15 दे दिया हो। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में फार्मूला लाना है, सूत्र लाना है। जब हमारे दिमाग में सूत्र आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, बहुलक है, बहुलक की जगह पर जितना मान रहेगा रख लेंगे। अब के है ठीक, तो के को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें जो भी होगा जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, उसी का तो वर्ग बहुलक वर्ग निकाल लेंगे, या बहुलक वर्ग निकाल लेंगे तो F1 F2 का मान निकाल के उसमें रख देंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ही ये आएगा, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना, मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस छोड़ेंगे सब भूल जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसी में आप ये दिमाग लगाते रहिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है ठीक। इंसान को जब दिमाग मिला है जानवर की अपेक्षा ज़्यादा, यानी जानवरों में और मनुष्यों में यही फर्क है कि मनुष्यों को दिमाग दिया गया है यूज करने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।